मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्यार और सम्मान की हकदार हूँ या नहीं। बहुत गहरा गांव है ये ओलंपिक मेडल का। जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे मतलब मुझे नहीं पता भी, मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी। मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्यार और सम्मान की हकदार हूँ या नहीं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऐसे गांव में ऐसी जगह पे जन्म लिया है कि उसका मैं मान सम्मान, उसका मैं कर्ज अदा करने में अपना कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा पाई हूँ। तो मैं इस धरती की, इस गांव की, आप लोगों की हमेशा कर्जदार रहूंगी और आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमेशा सबसे आगे मैं अपना कदम रखूंगी। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि अपने गांव में हर एक घर से एक मेरी बहन ऐसी निकले जो मेरे जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी रेसलिंग में रिकॉर्ड है वो तोड़े, क्योंकि अगर हमारे गांव से अगर कोई नहीं निकला है तो बहुत दुख होता है कि हमने इतना अचीव किया है, हमने रास्ते खोले हैं, हमने उम्मीद दी है, तो हमारी बहनों को वो जगह, वो हमारी जो जगह है, जो हमारे बाद में जो उसको बनना है, तो वो उसका दायित्व निभाएं। और आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, मेरी बहनों का जरूर साथ दें, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उनको एक आपका सहारा, आपकी उम्मीद, आपका विश्वास चाहिए। बस मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप मतलब हमेशा कर्जदार रहूंगी मैं इस देश की, इस मिट्टी की और सबसे ज्यादा इस गांव की, जो इतना प्यार और मान सम्मान आप मुझे देते हैं। और जितना भी हो सकता है मैं अपने गांव के लिए कभी भी किसी भी टाइम पे, जितना मैंने कुश्ती में सीखा है, जितना मेरे पास, जितना भी भगवान ने मुझे नहीं पता टैलेंट दिया है, मेहनत है, क्या है, लेकिन जितना भी मेरे पास में, मैं चाहती हूँ कि मेरी गांव की हर एक मेरी बहन को मैं वो सिखाऊं और वो मेरे से भी ज्यादा ऊंचे मुकाम पे जाए। और जब वो जाएगी तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि ये बहन मेरे गांव से है और मैंने मतलब उसको सिखाया है या जो भी है, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि वो हर एक रिकॉर्ड हमारे गांव से वो टूटे। और मेरी बहनों को आप सबका सपोर्ट चाहिए। बहुत गहरा गांव है ये ओलंपिक मेडल का। जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे मतलब मुझे नहीं पता भी, मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूंगी जो भी है, लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एक सही दिशा में, सही जगह पे मैं उसको इस्तेमाल करूँ।